हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 जून के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसको बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग आज पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, RBI ने कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाए जाने की घोषणा किया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह को मनाए जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी किसानों के लिए विभिन्न वित्तीय पहलू हैं उनसे अवगत कराया जाएगा, उनको लोन लेने का या फिर बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने पर उन्हें कैसे किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा किसानों को। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारी थीम तो इसी को हमारी एज अ थीम भी रखा जाएगा। तो RBI ने थीम रखा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का, किसान और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने से उन्हें लाभ कैसे होता है, ये है इसकी थीम। यह मनाया गया है 3 से लेकर के 7 जून के बीच में। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि RBI को लेकर के डिजिटल भुगतान से संबंधित एक समिति बनी थी जिसने नंदन नीलकड़ी समिति थी जिसने डिजिटल भुगतान से लेकर के अपनी रिपोर्ट किसको दिया था, शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI की स्थापना कब हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को और शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है। इसकी थीम है वायु प्रदूषण। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो पिछले कुछ टाइम से मैंने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बहुत सी चीज़ें बताया है, क्योंकि इस समय मैरिन पोल्यूशन, एक आपने सुना होगा कि समुद्र में बहुत ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है, और दूसरा वायु प्रदूषण, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो, आजकल बहुत से ऐसे ओकेजन्स आ गए हैं जहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं या फिर खेतों को फल जब काट लिए जाते हैं फिर खेतों को जला दिया जाता है, एंड उसके अलावा और भी चीज़ें की जाती हैं, जो व्हीकल से पोल्यूशन फैल रहा है। तो एयर पोल्यूशन मेन फैक्टर है इस समय, अगर हम लोग ओवरऑल सभी पोल्यूशन की बात करें। तो इस बार जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी थीम रखी गई है वायु प्रदूषण, ताकि लोगों के बीच में वायु प्रदूषण को लेकर के जागरूकता फैलाया जा सके। और हर साल 5 जून को हम लोग वायु प्रदूषण के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये भी याद कर लीजिए कि पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 5 जून 1974 में इसको मनाया गया। और इसके अलावा इस बार जो 5 जून 2019 के दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुंबई के भामला फाउंडेशन की सहायता से हवा आने दो नाम का एक गीत तैयार किया है। अच्छा, इस गीत सबको कोरिलेट करे तो देखिए, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन सा है, एयर पोल्यूशन, तो थीम क्या रख दिया, एयर पोल्यूशन। ठीक, इसके अलावा गीत भी क्या है, हवा आने दो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, 5 जून के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि नेपाल ने माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन चलाया था, और यहाँ पे क्या था कि माउंट एवरेस्ट से 10,000 किलो का कचरा एकत्रित करना और इसको नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका प्रदर्शन होना था आज ही के दिन, तो इसका प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा कूड़ेदान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समिति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट करने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया है। यह समिति का नाम था डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। इसके पहले जो इस समय वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 1986, जो कि 1986 में बनी थी और 1992 में इसका संशोधन हुआ था। और अभी क्या है कि एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात चल रही है। ठीक है, यह समिति ने, डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, यही इसके अध्यक्ष भी थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा है कि इसको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अब याद कर लीजिएगा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल। ठीक, इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना किए जाना चाहिए तथा जो निजी स्कूल हैं उन्होंने जो मनमानी फीस वसूलने की बात किया है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में पहला ओवर डालने वाले विश्व के पहले स्पिनर कौन बने हैं, तो इसका नाम है इमरान ताहिर। यह साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में यह मैच हो रहा था, जिसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से वर्ल्ड कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 40 वर्ष के इमरान ताहिर ने पहला ओवर डाला। ठीक, अब वर्ल्ड कप से हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, तो वेल्स इंग्लैंड में, और ये कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है। कब से कब तक होगा, 31 मई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में। एंड इसके बाद जो हमारा 2023 में वर्ल्ड कप होगा वो होगा हमारे भारत में। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की कि भारत के किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण के लिए 2019 WHO अवार्ड जीता। यह जो WHO अवार्ड है ना, यह हर साल विभिन्न व्यक्ति या संगठनों को, 6 ऐसे लोगों को दिया जाता है, 6 व्यक्ति या फिर संगठन कह लें। तो भारत की बात करें तो भारत में अवार्ड जीता है राजस्थान ने। याद कैसे रखेंगे, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी बिक्री, वितरण और उत्पादन तीनों चीज़ों पर। और अभी हमने 31 मई को मनाया है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है एशिया का जिसने जो भी तंबाकू के उत्पाद हैं उन पे एक क्विट लाइन नंबर दिया, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम लोग। हॉक जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, इनका नाम है मोहना सिंह। ठीक, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ, इन तीन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने उड़ान भरा था इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे इस फाइट, ये जो इनकी ट्रेनिंग है ये कहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन में। याद रखिएगा मोहना सिंह के बारे में, ये आप जो इमेज देख रहे हैं इमेज किसकी है, मोहना सिंह की। एंड देन हमारा कि विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है, इसका नाम है पुएर्टो विलियंस। बात आती है कि कहाँ पे पूछा गया है या पूछा या कहाँ का शहर है, तो चिली। चिली कहाँ पड़ता है, हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, चिली के नवारिनो द्वीप पर यह है। ठीक है, कहाँ पे, चिली के नवारिनो द्वीप पर, और ये कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए आप जो मैप देख रहे हैं, मैप में है पुएर्टो विलियंस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि 10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, या किया जाएगा त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। ठीक, कब होगा ये भी याद रखेगा, तो जनवरी से फरवरी 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा, जनवरी फरवरी 2023। इसके अलावा त्रिपुरा ने अपना राजकीय फल किसे घोषित किया था, तो क्वीन अनानास को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा का राजकीय फल क्या है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से घिरी हुई है, तीन तरफ से घिरकर सीमा बनाती है, जिसको दूरी इतनी कम है कि इसको क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।